ओके तो कैसे हो बेटा आदित्य सिंह, आर यू एबल टू लिसन मी? आदित्य सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योर सेल्फ, एवरीबॉडी शुड अनम्यूट योर सेल्फ, टॉक टू मी। ओके आदित्य बेटा, टेल मी, आपका नाम आदित्य है लेकिन आपने जो डीपी लगा रखी है वो आपने शायद अपनी बहन की लगा रखी है क्या? क्या दो लोग एक ही आईडी यूज कर रहे हो? सीधा गर्ल आदित्य नहीं है, आदित्या है। ओके 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 बेटा, सो बताओ बेटा, क्वेश्चन पूछें, होमवर्क कहाँ है सबका, किया किसी ने कि नहीं? हाँ ऐसी बात है, हमने देखा था बेटा। प्रगति बेटा आपने भेजा था ना? और सर मैं आपको कल परसों में दिखा दूंगी, आई हैव शोन यू द टू सेक्शन यस्टरडे। अरे नहीं वो नहीं बेटा, अब तुमने दूसरा होमवर्क दिया था, भूल गए? मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दिखाते हैं बेटा आपको। देखो इसको पता है, तुम लोग को नहीं पता? यस बेटा, यू हैव टू मेक अ पीपीटी ऑफ दिस। ये पीपीटी आई तो है मेरे पास लेकिन उसको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों जा नहीं रहा है। गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, यू गाइस कैन। हाँ बेटा वही पीपीटी मैं आपको भी दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ऐप खोलता हूँ अपना। मैंने ट्राईपॉड भी दे दिया, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ सर। ओके नाउ दिस इज माय व्हाट्सएप। देख रहे हो बेटा कितने मैसेज आते हैं हमारे पास, इसलिए हम तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। ओहो कहाँ गया? किसी की तो है, देखो लेबर ऑफिस में करते हैं, ठीक है इंप्रेस में ओपन करते हैं, देखते हैं वो क्या होता है। ओके बेटा आपका, अच्छा आपने भी भेजा था क्या? ओके हमको दिखा नहीं, इसका मतलब ने देखा नहीं फिर। अच्छा
गलती से लिख दिया होगा बेटा. ओके आई एम क्लीन, अभी देखता हूँ. हाँ बेटा व्हाट्सएप कर दो आप मुझे, ठीक है, तुरंत मिल जाएगा. चलो सो दिस इज योर एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिवेंटिंग पेंडेमिक सिचुएशन. ये प्रिया जी ने बना के भेजा है कि हमको ऐसे हमें फ़ायदा मिला पेंडेमिक में अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू. देखो इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया. प्रिया आप इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगी, अरुदय है कि नहीं टीम्स पे बेटा, देख देख के बताओ प्रिया है कि नहीं टीम्स पे. नहीं है, नहीं है. अच्छा वो किसने किसने बनाया था, मैं अच्छा आपको दिखा देता हूँ उन्होंने बनाया कैसा है. व्हाट्सएप पे कुछ आया भी है ये तो एल्बर्ट आइंस्टीन है भैया. कोई बात नहीं, हम एक करके स्लाइड देखते हैं. ठीक है स्लाइड. तो हम इसका आपको स्लाइड से दिखा देते हैं शुरुआत से फॉर्म बिगनिंग. ऑडियो प्ले नहीं हो रही मेरे में बिकॉज मीडिया नॉट फॉन्ट दिखा रहा है. कौन पढ़ेगा इसको, पढ़ो. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप कैसे चीज़ों को यूज़ करोगे. सो ये क्या आपकी टेक्नोलॉजी हो गई. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड. ओके अब हमारे एवरीडे लाइफ में क्या यूज है. पढ़ो पढ़ो बेटा पढ़ो. Also, for buying the necessary thing during time.
pandemic, it helps us to do that. It helps us to get more knowledge from different sources available. All over, it helps us to make our life easy and comfortable. Okay. कोई डाउट किसी को इसमें? कंटिन्यू बेटा. अच्छा अब आप कल्पना करिए, इफ यू इमेजिन डैट, कि अगर आपके पास मोबाइल्स ना होते, इस पेंडेमिक की कंडीशन आपके पास मोबाइल्स ना होते, लैपटॉप्स ना होते, ठीक है, या फिर गेमिंग कंसोल ना होते, तो क्या होती है आपकी ज़िंदगी? सुबह शाम तक कैसे जीवन है? हाँ बिल्कुल, हमें सारी सिचुएशन पता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से. अगर नहीं है तो अभी हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कि हो क्या रहा है? ये होम और वर्ल्ड के बीच में क्या है आप, ये कनेक्शन है. बात करते हैं नेक्स्ट पीपीटी फ्रॉम, ये किसकी बेटा? मेरी है प्रगति. प्रतिज्ञा. ओके बेटा, ओके प्रतिज्ञा बेटा कंटिन्यू. Okay, Prakriti, continue. Do you want to tell something? Next slide, sir. Tell me, who is Albert Einstein? Sir, Albert Einstein was one of the important scientists of all time. And his life story, from a modest upbringing to reinventing physics to his strong sense of humanist purpose, is fascinating. Bas. This is his peak, this is his time period, and now, okay. You work a lot. This is the method. फॉर्मूला विच इज गिवन बाय द अल्बर्ट आइंस्टाइन. आपको पता है इस फॉर्मूले को ना आज तक कोई प्रूफ कर पाया है ना ही कोई उसको झूठ बोल पाया है. पता है क्या होता है, ए बराबर एम सी स्क्वायर, डू यू नो अबाउट इट? ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एम फॉर मास, ओके, सी फॉर लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज अबाउट 3000 किलोमीटर पर सेकेंड, सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, सो होगा क्या यहाँ पे, इसको ना आज तक किसी ने प्रूफ नहीं किया. पता है क्यों? क्योंकि बेटा प्रूफ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी पार्टिकल, आपको पता होगा, कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से जा ही नहीं सकता. डू यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट लाइट, हाईएस्ट स्पीड. तो कोई भी पार्टिकल क्या हो सकता है, कोई पार्टिकल इतनी मूव ही नहीं कर सकता. दूसरी बात ये, कितना भी कम मास हो, मतलब मास हम लेते हैं, अगर मान लो हमने मास लिया 1 ग्राम भी लिया, तो भी 1 ग्राम क्या है, बहुत मास है, मास है. अगर 1 ग्राम के मास से अगर किसी को हम वेलोसिटी में रन करा दें, वी हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी.
बहुत ही ज़्यादा, तो क्या होगा, ऐसा हमें पॉसिबल ही नहीं कि हम क्या कर सकें, किसी को भी लैट की स्पीड से हम रन करा सकें। इसीलिए क्या होता है, इसको बोला था कि हाइपोथेटिकल है, प्रूफ भी नहीं हुआ है और ना ही तो उसको झूठ बोल सकता है। क्या हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है बेटा ये बताओ, कहोगे सर कंप्यूटर पार बोले फिर बोलने लगे। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915 आइंस्टाइन पब्लिश्ड इन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हिच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी एंड इक्लिप्स ऑफ द सन इन द ईयर 1919 ब्रॉट द प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू व्हिच द लाइट फ्रॉम स्टार्स कुड बी डिफ्रेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. Okay, तो आपने लिखा है, इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, ये क्या कहना चाहते थे, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? हाँ बताओ, क्या आया बताओ जल्दी से। मतलब सर, 1915 में आइंस्टाइन ने एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, जो कि एक न्यू इंटरप्रिटेशन थी। या देखो हम बताते हैं, जब भी आप कभी कार से मूव करो या जब भी आप किसी ऐसे जगह पर झूले पे रहो, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि आपके बगल वाला व्यक्ति क्या रुका हुआ है। आप कार में रहते हो, कार चल रही होती है, लेकिन आपको क्या लगेगा कि जो ड्राइवर और आप हो, क्या होगा कि आप दोनों रुके हुए हो, लेकिन क्या आप रुके हुए हो नहीं, यू आर इन अ मोशन। इसी को क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बारे में आप और अच्छे से जानोगे जब आप 12th में आओगे, तो उसे कुछ फार्मूलाज होते हैं। चलो, क्वांटम क्या होता है बेटा, क्वांटम फिजिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच होती है। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांटम फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किसके बारे में, पार्टिकल्स के बारे में। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल सही बेटा, एवेंजर में हमारे पास क्या था, क्या कहते थे, इस क्यूब का नाम क्या था बेटा, ब्लू कलर का जो क्यूब होता था, याद है कि नहीं। हेलो सर, मैंने एवेंजर मूवी देखी है, लेकिन वो क्यूब वो लेके ही जाते थे। हाँ तो बेटा, जो क्यूब होते थे, सही कि नौ, सॉरी 5 क्यूब थे जो थैनोस को चाहिए थे ना, उसमें से एक क्यूब ये भी था, इन्फिनिटी स्टोन। तो विच वॉज इन्फिनिटी स्टोन सोन इन दिस एवेंजर, एवेंजर में कौन से इन्फिनिटी स्टोन दिखाया गया था। उसमें क्या बताया गया हमें, ये जो हमारे स्टोन है, इसमें हमने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स की बात कही थी। क्वांटम फिजिक्स में इसी के रूप में हम चर्चा करते हैं, पोजिशन पोजीशन की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। जो हमारी जितनी भी ये है क्वांटम थ्योरी है, इसे हम क्या करते हैं, इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को मूव करा दें तो क्या होगा, उस पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड डाउन कर दें तो क्या होगा, जनरलाइज क्या होगा, इसी के बारे में हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया गया था। ठीक है, चलो ये सब इनके जनरल्स हैं। जनरल्स मतलब क्या होता है, जो पेपर पब्लिश होते हैं। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा ही होगा क्या बेटा। सर, जब हम दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं सर, मार्स, तो हम अपनी लाइफ वहाँ इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, इसे प्रेडिक्शन है केवल, जाना मत। ठीक है, अभी एपीएस में एग्जाम देना है। चलो अब बात करते हैं अगले अपने टॉपिक पे, हम आते हैं जो हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे। हम क्या पढ़ा रहे थे, आ जाओ कंप्यूटर से हम कहाँ पहुँचे, फिजिक्स से पहुँच गए कहाँ, कंप्यूटर पे। कैसे, कौन सा क्यूब था वो, मैंने क्यूब का नाम कर सकते हैं, टेसरैक्ट क्यूब, याद आया, टेसरैक्ट नहीं याद आया। हाँ, टेसरैक्ट क्यूब थे ना। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। जब बना लेना, सबमिट कर देना बेटा।
जब बना लेना, सबमिट कर देना। डेडलाइन तुम लोग की आज थी, आज तुम लोगों ने सबमिट किया नहीं तो कल कर देना। फिर से देख लो करना क्या है। हम क्वेश्चन यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं, मेक अ पीपीटी ऑन एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन, आप पढ़ने चल रहे, मैं नीचे लिख रहा हूँ ठीक बेटा, वहां से पेंडेमिक सिचुएशन, ठीक है बेटा समझ में आया सबको क्या लिखना है। आपको एक पीपीटी बनानी है किसके ऊपर, आप क्या बेटा बिल्कुल बिल्कुल, ये कोविड के बारे में, कोविड का मैं नाम नहीं लेता, पेंडेमिक बोलता हूँ इसको इसीलिए, ठीक है आप कोविड भी लिख सकते हो ठीक है। कोविड में आपने को टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है इसके बारे में बताना है आपको, गॉट इट। आ जाइए हम लोग आते हैं आई टी में। हम पढ़ रहे थे क्या आपने यूनिट थ्री, यूनिट थ्री में हमने क्या पढ़ लिया था, यूनिट थ्री में हमने पढ़ लिया था, आ गया हमारे यूनिट थ्री। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ना पढ़ेंगे पढ़ेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मैम ने तुम्हारे पूछा कि क्या पढ़ाएंगे, उस समय हम बिजी थे, स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने बोल दिया ठीक। लेकिन हमको पढ़ना वही है कि हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं बस, तुम लोग को देखो एक बार ओवरव्यू दे देना, फिर जब आपका वो करवाएंगे रिवीजन, तब अच्छे से आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे। अभी तो हम केवल एक आपको टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर आपको पूरा पढ़ाएंगे ठीक से ठीक है। मतलब पढ़ाएंगे क्या, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग, समझ पा रहे हो नहीं बेटा क्या करेंगे लोग, क्वेश्चन से फॉर्मेट पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ शायद हम लोगों ने पढ़ लिया था, बुलेट्स लगाना सीख लिया था, प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट तो आपको आता ही होगा प्रिंटिंग प्रिंट करना, आज हम लोग शुरू करने आ रहे हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है बेटा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेल मर्ज का। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्ड प्रोसेसर के थ्रू कई लोगों को मेल भी कर सकते हैं। हु वांट टू रीड, किसी को पढ़ना है, ओके कंटिन्यू करिए बेटा यहाँ से। मेल मर्ज इज अ वेरी सफिशियंट। सो हमने एक मेल मर्ज आज से शुरू किया है, हम मेल मर्ज के बारे में कल चर्चा करते हैं। कल मेरी क्लास तो नहीं है, मेरी क्लास है नेक्स्ट थर्सडे को मेरी क्लास है, मैं थर्सडे के इसके ऊपर चर्चा करूंगा, कोशिश ये करूंगा फिर से, ऐसा हमेशा आपसे वादा करता हूं एक बार फिर से कोशिश करूंगा मैं पीपीटी बना सकूं, क्योंकि वर्कलोड सच में बहुत ज़्यादा आ जाता है मेरे ऊपर। लेकिन अब से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको पीपीटी के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पढ़ाई होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका मन भी लगे। खैर आज आपको पढ़ने में अच्छा लगा, बोलो बेटा।
सब लोग अनम्यूट हो जाए करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, म्यूट करने की कोई दिक्कत नहीं, सब अनम्यूट हो जाओ एक तरफ से जितने हो, कोई दिक्कत नहीं, बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको आज समझ में आई चीज़ें जो मैंने बताया? नो सर, नो सर वाला कौन था, किसको नहीं आया बेटा? हाँ ओके, सो ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय एवरीवन, थैंक यू सर।